दोस्तों ये थर के गांव की जो औरतें हैं ना, अपना जो कपड़ा वगैरह सिलाई करना होता है वो खुद करती है। ये हाथ वाली मशीन पे जैसे खुद सिलाई कर रही है। ये क्या बना रही है अब, घाघरा है क्या है? लहंगा है लहंगा? जी। ये लहंगा बन रहा है। ये हाथ वाली मशीन पे ऐसे काम किया जाता है। ये गांव की औरतें घर के कम काम कार से वो खाना पकाना वगैरह जो होता है उस काम कार से फारिग होती है। अपना जो काम कार ये कपड़े शपड़े जो आप के सीने पर होते हैं, ये भी खुद आपने सीन लिया है। ये तो बहुत बारीक और छिद्र छिद्र कपड़ा है। ये कैसे पहना जाएगा? बारीक होना चाहिए, ये अस्तर नहीं है। अच्छा, इसके अंदर दूसरा, ये उसके अंडर वाला दूसरा कपड़ा होता है, वो बाहर वाला इसका फैशन है। अच्छा, हाँ, बाहर वाला ये लहंगा है। ये इसका लहंगा है और उसके अंदर वाला वो आएगा जो पिरन कपड़ा पड़ा था। अच्छा, ये ऐसे बनेगा। हाँ, इससे बनेगा। ये कह दीजिए मदद से, इसमें जो बारीक से जो छोटे छोटे धागे रह जाते हैं वो अब ऐसे काट के इससे निकलते हैं। ये बिरादर कंपनी की मशीन है एक छोटी सी। ये वैसे पाँव वाली मशीन पे होती है और वो मोटर वाली भी होती है, लेकिन ये हाथ पे चलाते हैं। यहाँ से इसमें इसकी हथी है, इसमें हथी पे इस चलाते हैं। खुद ही सिलाई करते हैं। लेंगो है जिसको घाघरा बोलते हैं। हाँ, ये अच्छा, ये जरा इसका ऊपर उठा लहंगा है है। ये जरा, इसके आगे वाली ये साइड है, इसको ये आगे वाली साइड है। ये छोटा ऊपर दिखा उठा इस है, वजह से। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा है, ऊपर से वो एक हिस्से से ऊपर उठा है। देखें दिखाएं कितना है। ये लहंगा पहले मैंने बनाया था जल्दी में, तो है ना, सही नहीं बना, अच्छा तो ये छोटा भी थोड़ा हो गया अच्छा था, जैसे और घाघरा बोलते हैं वो उसे लहंगा है, ये घाघरा छोटा भी है हो ये। गया था, इस वजह से लहंगा। शादी शादी में बनाया था, गए थे हम, अच्छा, तो इस वजह से वो जल्दी में सही नहीं बना, बाद में मुझे खोलना पड़ा। ये आगे वाली साइड है और ये पीछे वाली साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड है लहंगे अच्छा, इसके। इसके अंदर जो ये जो सफेद ये ये कर कपड़ा पड़ा है ये इसके अंदर आएगा, अस्तर के इसको बोलते हैं ये इसको। अस्तर है इसका, ये लेंगे का अस्तर है, सिल्ला का। अच्छा, ये आप खुद ही बना रही हैं अपने हाँ, खुद ही पहनने के बना। लिए? अपने पहनने के लिए हाँ, अपने पहनने के लिए, लेकिन दूसरे भी देते हैं कभी कभार, लेकिन ये इसका क्या है, वो चोला ये बोलते हैं चोला उसको, है। ये इसका गला वगैरह कैसे कहाँ पे उसके, ये पीछे ये ये सिंपल डोरी है, है, बस इसके पीछे। पीछे जो ये डोरी आ रही है ये इसको कस के बांधने के लिए, हाँ, बांधने के जैसे लिए, वो बदन पे फिक्स फिक्स को करने के होके। लिए। और उसका जो दुपट्टा है वो इसका बाजू भी अच्छा, ये अभी बाजू है ये इसके। इतनी अच्छा, चल रही हैं, बड़े चल रही हैं, पहले छोटी छोटी से बनाते थे। ये भी फैंसी का कपड़े की बाजू हाँ, है इसकी। अच्छा, ये ये और इसका ये दुपट्टा इसका है, क्या है, ये इसका दुपट्टा है। ये भी बारीक है। हाँ, बारीक है। और इसके साइड पे जो कि लगा हुआ है ये पता लगाते हैं क्या डिजाइन लगी लेस हुई है है इसके, ये, इसको लेस बोलते हैं। हम खुद ने सारा काम किया है। अच्छा, ये आप खुद ही बनाती हैं, मतलब अपने पहनने का कपड़ा जो होता है वो हाँ, खुद ही खुद ही बनाते बनाती हैं, हैं। लहंगे वाला हो या पड़े वाला हो या
सलवार कमीज वाला हम खुद वो बनाते हैं, खुद ही आप बनाते हैं इसी मशीन से? हम सिलाई का काम भी करते हैं, कढ़ाई का भी काम करते हैं, रलिया वगैरह, रली भी बाहर रखी हुई है, वो बना रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो कढ़ाई वाला काम है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों तो ये है धर की औरतें जो अपना जो कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं, लहंगा बनाते हैं, घाघरों पर को जो भी बनाते हैं वो खुद ही अपना बनाते हैं। सारा काम हम खुद ही करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा मतलब हर किसी जो भी डिज़ाइन होती है वो आप खुद सिलाई कर लेते हाँ, हैं? जो भी डिजाइन होती है हम देख के खुद ही कर लेते हैं अच्छा, अंदाजा। उसके अलावा जो कढ़ाई होती है वो कढ़ाई भी आप खुद ही करते हैं? हाँ, कढ़ाई वगैरह हर काम हम खुद ही करते हैं। तो ये जो थर की गांव की वो जो औरतें होती हैं ये अपना कढ़ाई वाला जो काम होता है जैसे भर्त कहते हैं, जैसे हैंडीमेड कहा जाता है, वो हैंडीमेड का काम जो होता है वो भी ये खुद करते हैं। और कपड़ों की सिलाई वगैरह होती है, कपड़े की डिज़ाइन वगैरह होती है वो खुद ही अपने जो उस सिलाई खुद ही करती है। दिन लग जाता है लेकिन कंप्लीट बनाने में तो सारा दिन लग जाता है, क्योंकि ये मशीन भी ऐसी है अच्छा, और हमारा और भी काम होता है घर में, इस वजह से हम तो घर का काम करके फिर के फिर फर्क हो के फिर ये जो सिलाई कढ़ाई का काम होता है वो आप करती है। इसके अलावा जो घर में जो रलियां वगैरह बनती हैं वो भी आप खुद ही बनाती हैं? हाँ खुद ही बनाते हैं। रली भी बना रही हूँ, बाहर पड़ी है। अच्छा, तो ये था गांव की जो औरतें ये घर की जो अपनी रली वगैरह बनाने पड़ती हैं, रलियां जो बनाती हैं घर में वो भी ये खुद बनाती हैं। और अपना जो कढ़ाई हो, उसे सिलाई हो या भर्त हो या हैंडमेड का काम हो, मतलब जो भी काम करो घर के काम काज से अलावा कपड़े सिलने वगैरह करा को जो भी काम होती है होता है वो ये खुद ही करते हैं अपने काम। अब जो ये है ये लहंगा है और इसका जो ऊपर वाला होता है चोला वो तैयार है? चोला तैयार है, अच्छा, वो पहले तैयार इसका कर रहे हैं। दुपट्टा वो भी तैयार है। इसका दुपट्टा भी होता है हाँ वो भी तैयार हो गया है? हाँ तैयार है, लेकिन ये तैयार था फिर थोड़ी बीच में फाट हो गया था, इस वजह से फिर दोबारा खोलना पड़ा, इसको खोल इसी के वजह से फिर बीच में सोड़ा हो गया था ना। खोल के फिर से बनाया है इसको? हाँ खोल के फिर से बनाया। तो ये सराय डेजर्ट की जो खातिन होती हैं ज़्यादा मेहनत कश खातिन होती हैं, जो अपने घर का काम कर सारा वो मैं करती हैं खुद, और बड़े मेहनत का जो काम होता है वो यहाँ थर के औरतों का काम होता है। ये सारे बहुत खतरनाक मेहनत जो होती है वो ये करते हैं घर के काम काज में। इसके अलावा ये माल मवेशी का जो भी काम कार होता है वो भी ये खुद ही करते हैं अपना, जैसे बकरियां हो या भैंसें वगैरह होती हैं या जो भी माल मवेशी होता है
उसका भी जो माल मवेशी की देखभाल जो होती है वो भी खुद करती है। वैसे ये आप सिलाई अगर करते हैं तो इसमें कितने पैसे लेते हैं, एक जोड़े सिलाई के कितने पैसे लगते हैं? सिलाई की अब तो 500 जोड़ा लेते हैं। हाँ, अच्छा, फी जोड़ा 500 रुपये का। 500 रुपये। उसमें ये होता है, ये जो हिंदू मत वाले पहनते हैं ये घगरो बोल इसका को, या 500 अच्छा लेते हैं, इसका 500 रुपये लेते हैं लेकिन फी जोड़ा। यहाँ पे नहीं देते इतना पैसे। अपनी चाहिए सिलाई मर्जी, भी, अपनी मर्जी से देके जाती हैं। 300, 200, 300, 400, सिलाई भी सिलाई इतने नहीं देती हैं। तो यहाँ गांव में ये जो टेलर का काम करती हैं खवातीन ने, जो पूरी सिलाई होती है वो भी नहीं दी जाती। लेकिन ये गांव की जो है ना रिवायत है वो बस, वो पैसे के ना पैसे, वो पैसे उनको नहीं देते हैं देते हैं इसे के, बस वो अपनी गांव की अपनी परंपरा रहे, बाकी 50 हो इधर या उधर उसका ख्याल है उसका, वो इतना छोटे छोटे हिसाब नहीं कर देंगे गांव के लोग। तो ये है थर के गांव के औरतों का जो काम। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं थर से रिलेटेड जो भी हार्ड वर्किंग वाला काम होता है, या जो थर की खातिन जो भी घर में काम कार करती हैं, या कुकिंग होता है, या थर के रोज़मर्रा की जो नेचर लाइफ होती है डेली रूटीन में, मैं वीडियोस बना के आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल से दिखाता हूँ। सो दोस्तों, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लव यू माय फ्रेंड।